चलो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है एंड आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है उसको मैंने खूब चार्ज कर लिया, वी पोटेंशियल कैपेसिटी सी, उसके बाद मैंने बैटरी को हटा दिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस डी था उसको मैं बढ़ाने लगा, मतलब मान लो मैंने ऐसे कर दिया वही, तो क्या आपका कैपेसिटी वही रहेगी? नहीं यार, कैपेसिटी बदल जाएगी। तो एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब जो पोटेंशियल वी था क्या वी रहेगा? नहीं, वी डैश हो जाएगा। तो ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो हमें पता करना है। तो एक कैपेसिटर, इसको पहले देखो समझने की कोशिश करना, ये कैपेसिटर था इसको चार्ज कर लिए तो इसकी कैपेसिटी, जब बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर दोगे और इसमें चेंजिंग करोगे, डाइलेक्ट्रिक डालो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच, प्लेट घटाओ बढ़ाओ, कैपेसिटर प्लेट छोटा करो बड़ा करो, तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा यार, चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी से कनेक्शन नहीं है यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट डी। अभी क्या हो रहा है, ये इनिशियल कैपेसिटी है, अगर सेपरेशन बढ़ाओगे डी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब अगर कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो भी पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें निकालना, तो क्यू इज इक्वल टू होता है सी बी, तो भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, चार्ज क्या है कॉन्स्टेंट है। तो कैपेसिटी अगर डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा यार। मतलब हम लोगों का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ए ऑप्शन सही है। चलो